आपका निफ्टी का नया शिखर, ये नया अंदाज और बैंक निफ्टी 37,000 के नजदीक बड़ी अच्छी फीलिंग आ रही है और आज क्लोजिंग में डोमिनेट करता हुआ आईटी, आपकी अप्रोच और आपके दो कन्विक्शन ट्रेड। बसीन साहब। हाँ जी वीरेंद्र जी, तो देखिए 37,000 आपको कहा था जरूर आएगा जल्दी ही, तो 37,000 के दर्शन हो गए। अब न्यू हाई देखिए, तो आपको अपडेट दे दूं, इंडियन होटल 36-37 में बड़ी जोर से कहा था 150 का टारगेट, वो हो गया। HDFC लाइव, DLF, अपोलो टायर, भारत फोर्ज आर सम ऑफ दी अदर एक्सलेंट कॉल्स विच वी गेव। मैं अभी भी सोचता हूँ OEMs will do very well, Bosch is one of my top picks, UPL will be an out performer, but these are again to avoid the volatility, इनमें सिप कीजिए, you will make lot of money. आज के दो calls हैं सर, पहला है unquestionably the biggest power beneficiary और power is going to be a huge space, Siemens लीजिए 2280-85, 2240 का स्टॉप लॉस है, 2375 का टारगेट, 2375 इसमें बहुत जल्दी आ सकता है। दूसरा है ये देखिए अंडर परफॉर्म किया मिड कैप बैंक्स ने, लेकिन मैं बहुत बुलिश हूँ उनपे, क्योंकि इस क्वार्टर से उनके प्रोविजनिंग विल बी माने राइट बैक होंगे, और ये सबसे पहले आएगा IDFC फर्स्ट, 44, 44, 44, 44 पौने 45 में लीजिए, 43-75 का स्टॉप लॉस, पहला टारगेट 49 है, बट उसके बाद ये 52 तक जा सकता है। चलिए तो IDFC फर्स्ट बैंक पे नजर रखिएगा, और 49 का टारगेट यहाँ पे है, 43.75 का स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पर। और साथ ही साथ अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे उनका जो दूसरा ट्रेड है वो है सिमेंस, सुबह बात भी कर रहे थे हम इसकी, 49 का टारगेट अगर आप देखें और ये स्क्रीन पे 23.75 का टारगेट है यहाँ पर और 22.40 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। IDFC फर्स्ट बैंक आपके स्क्रीन पर आप देखें डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। कंटेनर कॉर्प अब करीब करीब आप समझ लीजिए कि डे हाई पर आ गया है, और इस क्लोजिंग के साथ 736 की क्लोजिंग के साथ आप समझ लीजिए कि ये इसकी ऑल टाइम हाई की क्लोजिंग होगी। शायद क्या बात है।